हेलो स्टूडेंट्स माशेफ डॉक्टर अखिलेश गुप्ता फिजियोथेरेपी फैकल्टी एट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज हिप जॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज हिप जॉइंट हिप जॉइंट हिप मीन्स कॉक्सा हिप का जो मेडिकल टर्म है Uh, वो है कॉक्सा ठीक है तो इज अ मेजर जॉइंट ऑफ द बॉडी तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण या ये कहें कि ये बहुत ही बड़ा आ, या बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है हमारी बॉडी का इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉक्सा फेमोरल जॉइंट इसको हम कॉक्सा फेमोरल जॉइंट भी बोलते हैं क्यों क्योंकि कॉक्सा मीन्स हिप और फेमोरल मीन्स फीमल कॉक्सा फेमोरल जॉइंट दिस ज्वाइंट इज फॉर्म बाई द अटैचमेंट ऑफ हिप बोन एंड फीमर बोन तो जैसा कि हमने अभी ऊपर बात की कॉक्सा मीन्स हिप और फीमर फेमोरल मीन्स फीमर तो ये किसके uh, मिलने से किन दो बोन्स के मिलने से बनता है ज्वाइंट हिप बोन और फीमर बोन के मिलने से बनता है इसका कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इट इज द फर्स्ट वेट बियरिंग ज्वाइंट ऑफ द लोअर लिम तो अगर हम लोअर लिम की बात करें यानी कमर से नीचे की बात करें तो ये सबसे पहला ज्वाइंट होता है जो हमारा वेट बियरिंग ज्वाइंट होता है ये बहुत, इसी वजह से इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि ये बहुत ही मेजर ज्वाइंट है जिसपे हमारे शरीर का जो भार है जो वेट है वो क्या नाम है निर्भर करता है इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डाईडियल यानी कि साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट तो अगर हम ये बात करें कि ये किस टाइप का ज्वाइंट है यानी कि इसका क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो ये किसके अंडर में आता है यह आता है डाईडियल डाईडियल यानी कि मूवेबल ठीक यानी जिसको हम साइनोवियल ज्वाइंट भी बोलते हैं क्योंकि इसके ए, इसके जॉइंट में साइनोवियल जॉइंट के फीचर्स होते हैं साइनोवियल फ्लूड होता है साइनोवियल मेम्रेन होता है जॉइंट स्पेस होता है हाइलिन कार्टिलेज होता है ये सारी चीजें होती हैं इस जॉइंट में और ये किस आ, उसमें भी आ, सब कैटेगरी होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी इसमें एक स्ट्रक्चर जो होगा वो बॉल शेप का होगा और दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा वो सॉकेट शेप का होगा जैसे कि नीचे डायग्राम में आप देख रहे हैं देखिए इसमें ऑफ हिप बोन और हेड ऑफ फीमर तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो देखिए एक सॉकेट की तरह है यानी कि गड्ढे नुमा है और एक आपका उभरा हुआ है एक आपका उभरा हुआ है निकला हुआ है तो ये देखिए बगल में जो रेड गोले में जो आप देख रहे हैं ये देखिए ये इस तरह से काम करता है ऊपर सॉकेट है और नीचे आपका आ, निकला हुआ हिस्सा है ये इसी तरह से एक दूसरे से फिट होता है या ये कहें कि तरह कौन सा जॉइंट सेम है तो वो है आपका शोल्डर जॉइंट शोल्डर जॉइंट और ये लगभग सेम होते हैं लगभग एकदम सेम होते हैं मूवमेंट्स भी सेम होते हैं पैटर्न भी जुड़ने का सेम होता है बस अंतर इतना होता है कि आ, जो शोल्डर ज्वाइंट है वो थोड़ा सा छोटा होता है हिप जॉइंट थोड़ा सा बड़ा होता है ठीक है और इसी वजह से इसकी हम स्टेबिलिटी की अभी हम बात करेंगे दिस ज्वाइंट इज मोर स्टेबल देन शोल्डर ज्वाइंट तो अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें स्थिरता की बात करें ठीक है तो इस शोल्डर ज्वाइंट कम स्टेबल है और हिप जॉइंट ज्यादा स्टेबल है अब ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि शोल्डर ज्वाइंट को जब आप देखेंगे तो उसमें जो ग्लिनॉइड कैविटी है उसकी जो कॉन्केविटी है यानी उसकी जो गहराई है वो बहुत ही कम होती है उसकी गहराई को पूरा करने के लिए या उसकी गहराई को बढ़ाने के लिए उस पर एक ग्लिनॉइड लैब्रम लगता है जो कि उसका सरफेस एरिया गहराई को बढ़ा देता है और उसमें हेड ऑफ फ्यूमरस फिट हो जाता है और यहाँ क्या है यहाँ सिर्फ अटैचमेंट के लिए यहाँ आपका एसिटाबुलर लैब्रम लगता है लेकिन इसमें अच्छा खासा गहरा होता है आपका एसिटाबुलम तो उसमें जो हेड ऑफ फीमर है वो अच्छे से फिक्स हो जाता है ठीक है इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल जॉइंट है और इसको होना भी था क्यों क्योंकि ये वेट बियरिंग ज्वाइंट है आपके शरीर से यानी कमर से ऊपर का वेट पूरा पूरा हिप जॉइंट पे ही आता है इस वजह से अब हम बात करेंगे कौन कौन सी बोन इसमें इन्वॉल्व होती हैं तो इसमें हमारी दो बोन इन्वॉल्व होती है जैसा कि हमने ऊपर भी बात की थी हिप बोन और फीमर बोन ठीक है तो डायग्राम दिख रहा है ठीक नेक्स्ट है आर्टिकुलेशन तो आर्टिकुलेशन यानी कि किन-किन दो बोन के मिलने से या किन-किन बोन किन-किन दो बोन के कौन सा पार्ट मिलने से ये बनता है ठीक है तो हिप जॉइंट इज फॉर्मड बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ हेड ऑफ फीमर व्हिच इज कॉन्वेक्स शेप एंड एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन व्हिच इज कॉन्केव शेप तो जैसा कि हमने बात की थी कि एक गहरा गहरा हुनुमा होता है और एक उभरा हुआ निकला हुआ होता है तो हिप जॉइंट जो बनता है वो आपके हेड ऑफ फीमर जो कि निकला हुआ हिस्सा है ठीक है और दूसरा है एसीटाबुलम ऑफ हिप बोन ठीक है जो कि आपका गहरा है यानी कॉन्केव है ठीक है धसा हुआ है तो इसमें हम देख सकते हैं देखिए फेमोरल हेड बॉल है और एसिटाबुलम इसमें सॉकेट की तरह काम कर रहा है और ये देखिए रेड गोले के अंदर आप देख रहे हैं तो ये इसी तरह से एक दूसरे से फिक्स हो जाता है ठीक है ये जो व्हाइट पार्ट आप देख रहे हैं गोले के अंदर वो है आपका हेड ऑफ फीमर और एसिटाबुलम की लाइनिंग इस तरह से आपका हेड ऑफ फीमर और एसिटाबुलम एक दूसरे से जुड़ के हिप जॉइंट बनाता है तो ओके थैंक यू क्लास आज के लिए इतना ही